हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह तंवर और आज आपके लिए लेके आया एक वैकेंसी जो भिवानी में निकली हुई है, वो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है उसकी फुल डिटेल आपके सामने पेश है दोस्तों, और इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और किस चीज़ की पोस्ट निकली हुई है, ये सभी की डिटेल में आप दोस्तों, ये वैकेंसी है ये चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में निकली हुई है और जो आपके सामने पेज है उस पर आप देख रहे होंगे, ये ऑनलाइन है और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 27/10/2018 है और इसकी जो आखिरी डेट है वो 15/11/2018 है, ये रात के 11:59 तक है, यानी 15/11/2018 को 12 बजे से पहले पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसको। और इसकी जो डिटेल है, अब ये जो पोस्ट की डिटेल है वो आपके सामने है दोस्तों, एक एक चीज नोट कर लीजिएगा और ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। दोस्तों, जो ये वैकेंसी निकली हुई है ये लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है और लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, दो वैकेंसी निकली हुई है इसके अंदर। अब मैं पहले आपको लैब अटेंडेंट के बारे में बताता हूँ आपको। इसमें टोटल 18 पोस्ट निकली हुई हैं लैब अटेंडेंट की और इसमें जर्नल की 9 पोस्ट हैं, SC कैटेगरी की 3 पोस्ट है और BCA की 2 पोस्ट है और BCB कैटेगरी की 2 पोस्ट हैं और ESM जर्नल में है उसकी 2 पोस्ट है और इसका जो पे स्केल है वो 19,900 से लेके 63,200 रुपये तक इसका पे स्केल है। इसके बाद दूसरी जो पोस्ट है वो लैब टेक्नीशियन की है, इसमें जो डिपार्टमेंट है वो हर डिटेल डिपार्टमेंट वाइज आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें जो डिपार्टमेंट है ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में है इसमें एक पोस्ट निकली हुई है वो जर्नल की पोस्ट है और इसके बाद ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है उसमें भी एक ही पोस्ट है और ये भी जर्नल की पोस्ट निकली हुई है। उसके बाद बॉटनी डिपार्टमेंट, इसमें एक पोस्ट है और वो भी जर्नल की पोस्ट है और जियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक पोस्ट है जर्नल की। और इसके बाद केमिस्ट्री, इसकी भी एक ही पोस्ट है वो SC कैटेगरी के लिए है। और इसके बाद फिजिक्स डिपार्टमेंट है उसमें एक पोस्ट निकली हुई है और वो BCA कैटेगरी की है और इसकी जो पे स्केल है वो 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक इसकी पे स्केल है। और इसमें अब बात आते हैं हमारी एज कितनी मांगी गई है। अब दोस्तों, एज के बारे में बताता हूँ, इसमें जो एज है वो आपकी कम से कम 18 साल से लेके 50 साल की उम्र में आपकी आपकी एज होनी चाहिए, यानी 18 से 50 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और तो फ्रेंड, इसके बाद जो शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, वीडो है, वीडो वुमेन है और डिवोर्स है, लीगली है, सेपरेटेड है वुमेन, अनमैरिड है, अनमैरिड वुमेन है, डिजर्टेड वुमेन है, इनके लिए 5 साल की छूट है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो कैटेगरी है, जो रिजर्व कैटेगरी है, उनमें जो छूट मिलती है उस छूट के आधार पर उनको छूट दी जाएगी। अब इसके बाद फीस कैटेगरी बताते हैं आपको, तो फीस क्या क्या है इसमें। वो मेल और फीमेल की जो फीस है वो 500 रुपये है और इसके हरियाणा से बाहर वाले भी इसको भर सकते हैं, इसकी फीस है वो 500 रुपये फीस है। और इसके बाद फीमेल की जो हरियाणा स्टेट से है उसकी 250 रुपये फीस है। और SC BCA कैंडिडेट, SC BCA BCB कैंडिडेट्स फॉर हरियाणा, यानी जो हरियाणा के हैं ओनली, सिर्फ हरियाणा के लिए है, इसमें जो मेल है उसकी 125 रुपये फीस है और जो फीमेल है उसकी 63 फीस है। और इसके बाद एक्स सर्विसमैन PWD जो हरियाणा से है, ओनली हरियाणा वाले, उनकी कोई फीस नहीं है। इसके क्या क्या चीज़ आपको अपलोड करनी है, इसमें स्कैंड कॉपी होगी और वो मैट्रिक शो, यानी आपकी जो मैट्रिक कॉपी है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ शो होनी चाहिए और आपकी प्लस टू और ग्रेजुएशन की इसमें स्कैन होगी, ये कॉपी साथ करनी है, इसमें स्कैन करनी है। और स्कैन कॉपी आपकी जो कैटेगरी वाइज है, SC BCA BCB जो इन कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व कैटेगरी होती है, उनका आपको कॉपी लगानी पड़ेगी और हरियाणा डोमिसाइल की आपको फोटो कॉपी की स्कैन करनी पड़ेगी। अब इसके बाद फोटो जो स्कैनर होता है, जो फोटोग्राफर अपनी फोटो स्कैन करेगा और
इसमें सिग्नेचर स्कैन होंगे। फीमेल का है उसका राइट हैंड के थंब, और जो मैन है उसका लेफ्ट हैंड के थंब इसमें स्कैन होंगे। और ऑर्फन सर्टिफिकेट, अगर कोई अनाथ है उसका सर्टिफिकेट होगा, वो तहसीलदार से अटेस्ट होना चाहिए। विडो का भी सर्टिफिकेट लगेगा, यानी जो जो ये है उसके सभी के सर्टिफिकेट लगेंगे जिस हिसाब से है। और ये सभी सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेक बताया जाता है कि आपके घर में कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है, उसका भी आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वो स्कैन करना पड़ेगा, वो फॉर्म आपके सामने है। दोस्तों जो नेक्स्ट पेज आपको दिखाई दे रहा है ये अंडरटेकिंग का है, ये इसमें आपको भर के सेल्फ अटेस्ट होगा ये, और इसमें आपको बताया, इसमें जो लिखा हुआ सब कुछ नाम वगैरह भरना है, और ये जो अंडरटेकिंग का, ये आपके घर में जो जॉब कर सरकारी जॉब पे नहीं है उसके बारे में है, ये भी आपको स्कैन करके भेजना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारे क्वालिफिकेशन, यानी इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है ये आप नोट करिएगा। इसमें दोस्तों जो लैब अटेंडेंट की है उसकी पोस्ट के लिए आपके प्लस टू पास होने चाहिए साइंस साइड के, साइंस साइड से, और आपके जो नंबर है वो 60% आपके मार्क होने चाहिए, यानी प्लस टू आपकी साइंस साइड से होनी चाहिए और 60% मार्क होने चाहिए, या इसके अलावा आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए वो भी साइंस से, और इसकी और 50% के साथ आपकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए साइंस साइड से, और ये किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और हिंदी और संस्कृत का आपको मैट्रिक तक का ज्ञान होना चाहिए। तो फ्रेंड इसके बाद जो वैकेंसी है वो लैब टेक्नीशियंस की है और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में निकली हुई है। उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स साथ में आपका 50% मार्क आपके होने चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब अटेंडेंट का या लैब असिस्टेंट का या लैब टेक्नीशियंस का। तो फ्रेंड इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आती है वो लैब टेक्नीशियंस की है, वो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में निकली हुई है, और इसकी क्वालिफिकेशन है बीए बीएससी इन ज्योग्राफी इन्वायरमेंटल साइंस जियोलॉजी एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट विद द लेटेस्ट 50% मार्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपके बीए बीएससी ज्योग्राफी से और जियोलॉजी से आपको 50% मार्क के साथ आपकी ये होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब अटेंडेंट का, लैब असिस्टेंट का, लैब टेक्नीशियंस का, और आपको सभी जो वैकेंसी है उनमें हिंदी और संस्कृत का आपको मैट्रिक तक का इसका ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है लैब टेक्नीशियंस की, ये बॉटनी डिपार्टमेंट में है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी बीएससी होनी चाहिए मेडिकल साइंस से, लाइफ साइंस विद बॉटनी, और वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 50% आपके मार्क होने चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और 3 साल का एक्सपीरियंस, सभी जो लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसी उनमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इसके बाद जो वैकेंसी है वो लैब टेक्नीशियंस की है, ये जूलॉजी डिपार्टमेंट में है। इसमें आपके बीएससी होनी चाहिए मेडिकल लाइफ साइंस से, और विद जियोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी आपके जो सब्जेक्ट है उसमें 50% मार्क होने चाहिए, और आपको 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस और जो भी इसका। तो फिर नेक्स्ट वैकेंसी है लैब टेक्नीशियंस की, ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी बीएससी होनी चाहिए मेडिकल नॉन मेडिकल 50% मार्क के साथ, और बाकी सभी में नियम व शर्तें वही है 3 साल का एक्सपीरियंस और हिंदी और संस्कृत का ज्ञान आपको मैट्रिक तक का। नेक्स्ट वैकेंसी है लैब टेक्नीशियंस डिपार्टमेंट फिजिक्स, इसमें वैकेंसी निकली हुई है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएट इन साइंस विद फिजिक्स के साथ आपकी होनी चाहिए और 50% आपके मार्क होने चाहिए बाकी, और इसमें ये नहीं है तो आपकी इसके अलावा बीटेक आपकी होनी चाहिए, अगर यही में अथवा में दिया हुआ है या तो आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए साइंस की फिजिक्स के साथ, या फिर आपकी बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी विद लिस्ट 60% मार्क के साथ, और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फ्रेंड जो ये आपने वैकेंसी देखी ये फुल डिटेल के साथ आपने वैकेंसी, इसमें सभी डिटेल आपको बता दी गई है, और जो आपने ये अप्लाई करना है उसकी वेबसाइट आपके सामने है, और इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वो उसे देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो भरने से पहले अपने जो कॉलम है वो अच्छी तरह से भरिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रद्द समझा जाएगा, तो इसलिए आप हर कॉलम को देख के, हर आपकी स्पेलिंग वगैरह देख के, हर चीज़ को आपको देख के इसको भरना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों वैकेंसी, अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल तवर सिंह को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।